एससीसी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए, तो चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसे हैं। आज के दिन देखेंगे तो 6.5% का फॉल देखने को हमें एससीसी में मिला है, और जो नतीजे हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नतीजे जो देखने को मिले हैं वो 17:30 यानी कि क्या होगा 5:30 पे हमें नतीजे देखने को मिले हैं। यानी इसका इम्पैक्ट कल के दिन देखने को मिलेगा, जो भी रिजल्ट जिस प्रकार से आए उसका इम्पैक्ट कल आएगा। अब यहाँ पे आपके सामने कंसोलिडेटेड बेसिस का रिजल्ट यहाँ पे करोड़ में डेटा शो होगा। अब देखिए इनकम 1835 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में 1813 करोड़ की थी, एक साल पहले 1943 करोड़ की इनकम थी। क्वार्टर क्वार्टर इनकम ज़्यादा है, साल दर साल कम है। एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस क्वार्टर क्वार्टर कम है, और साल दर साल भी एक्सपेंस कंपनी ने कम खर्च किया है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पे कितना देखने को मिला है, 13 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 409 करोड़ का था, 410 करोड़ ही मान सकते, एक साल पहले 41 करोड़ का था। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर क्वार्टर कम देखने को मिला, साल दर साल भी कम देखने को मिल रहा है। और फाइनल प्रॉफिट की बात करें तो फाइनल प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे -2 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर से काफ़ी कम है, पिछले साल से भी देखेंगे काफ़ी कम है। तो अकॉर्डिंग टू डेटा अगर आप देखेंगे रिजल्ट वीक हैं, लेकिन एक माइल्यूट सी चीज़ है जो आपको यहाँ पे फोकस करनी चाहिए वो यहाँ पे है, इस सेक्शन में मैं आपको दिखाता हूँ। इस सेक्शन में आप फोकस करिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था कि 651 करोड़ एक्सेप्शनल आइटम से हमें गेन देखने को मिला था, उस वजह से 409 करोड़ यहाँ पे आपको देखने को मिला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो यहाँ पे अब की बार जो प्रॉफिट है ना क्वार्टर क्वार्टर बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूँ, तो वो पिछले साल से ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी तो असल में देखेंगे यहाँ पे लॉस में थी, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम की वजह से यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसी वजह से उस टाइम स्टॉक ज़्यादा राइज किया भी नहीं था। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि जो एक्सेप्शनल आइटम का कॉलम है, कॉलम नंबर 6, ये क्या है। अगर ये वैल्यू अगर आपको ज़्यादा देखने को मिल गई, पिछले साल भी कुछ नहीं था यहाँ पे, इस बार भी कुछ नहीं है, इसी वजह से ये यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो ज़्यादा आया था। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। हाँ, कंपनी लॉस ज़रूर कर चुकी है, पिछले साल के कंपेरिजन में देखें, तुलना में देखें तो अच्छे नहीं है, थोड़ा सा फॉल आ सकता है मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि एकदम प्रेशर की सिचुएशन है, ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा है। एक बार को स्टैंड लोन भी देख लेते हैं, अगर गिरेगा भी तो स्टॉक रिकवर कर जाएगा, क्योंकि कंपनी का काम किस पे है, न्यूक्लियर पावर पे, और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। और यहाँ पे अब आपके सामने स्टैंड लोन, यहाँ पे भी करोड़ में डेटा शो हो रहा है आपको। इनकम क्वार्टर क्वार्टर कम है, साल दर साल ज़्यादा है। एक्सपेंस देखेंगे क्वार्टर क्वार्टर कम है, साल दर साल देखेंगे ज़्यादा है। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो क्वार्टर क्वार्टर कम है, साल दर साल ज़्यादा है। और इसमें याद रखें ये फोर्थ वाला कॉलम क्या है, एक्सेप्शनल आइटम्स, इस वजह से ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर क्वार्टर कम है, साल दर साल ज़्यादा है। तो नतीजे थोड़े से वीक कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा वीक नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा इसमें ज़रूर फॉल आ सकता है, 2-3%, 4% गिर सकता है, उसके बाद रिकवरी तो आनी ही आनी, क्योंकि आज भी स्टॉक जो है वो मतलब गिर चुका है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट के आसपास स्टॉक पहुँचने भी वाला है, ये एक सपोर्ट का रीजन है, यहाँ तक टच करके या विक बनाकर स्टॉक वापस से ऊपर आ सकता है। मेरे हिसाब से 55 तक तो स्टॉक को आना चाहिए, 55-56 तक, बस धैर्य रखने की आवश्यकता है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है एक दो महीना लगे, हो सकता है 3 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, लेकिन चांसेस हैं, और मार्केट अभी भी बुलिश है, बेरिश नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे, प्रेशर तो आया है उसमें, तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अगर मिड कैप आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा 3.5% के आसपास प्रेशर है, लेकिन अब यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है ना कि एक सपोर्ट के आसपास है। गिरावट की वजह आपको पता होगा, आपने देखा होगा जैपनीज़ मार्केट 12% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ पर ब्याज दरें बढ़ी है, और वही पूरा जो गेम है मैंने आपको समझा के भी रखा हुआ है कि अगर ब्याज दरें बढ़ेगी, मान लेते हैं 8% से 12 हो गया, ठीक है, ब्याज दरें बढ़ेंगी तो लोग क्या करेंगे, एफडी कराएंगे तो मार्केट से पैसा निकालेंगे, क्योंकि मार्केट एक रिस्की जगह है पैसा डालने की, तो रिस्की जगह से रिस्की सेगमेंट से पैसा निकाल के सेफ सेगमेंट में डालते हैं। तो मार्केट से पैसा निकाल के बैंक में एफडी करा लिया, क्योंकि उनको रेट मिलना है 12% का, बस क्या दिक्कत है, इसी वजह से फॉल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ब्याज दरें बढ़ना किस चीज़ को प्रमोट करता है, पैसे के फ्लो को कम करना, इसका मतलब अगर पैसे के फ्लो को कम करना है
ठीक है, तब ऐसा किया जाता है, ब्याज दरें जो हैं वो बढ़ाई जाती है। अगर पैसे के फ्लो को बढ़ाना है तो उसके लिए ब्याज दरें घटाई जाती है। क्यों? लॉजिक फिर से बता देता हूँ। मान लेते हैं 8% से ब्याज दरें घटा करके कितना कर दिया गया, 6% कर दिया गया। यानी अगर आप FD कराने जाएंगे तो 6% आपका साल भर में रिटर्न मिलेगा, तो लोग FD नहीं कराएंगे, लोग वही 6.5% या 6.25% के आसपास के रेट से लोन लेंगे, और उस लोन को लगाएंगे कहाँ पे? मार्केट में लगा सकते हैं, हालांकि लगाना तो नहीं होता, बिजनेस में लगा सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो मार्केट से पैसा, देखिए अगर बात करें देश में, एक देश में पैसे का फ्लो कब बढ़ेगा? जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। बढ़ा दिया गया ना, तो फिर लोग पैसे बैंक में जमा कर लेंगे और पैसे जो है बैंक में अपना ब्लॉक रखेंगे। समझ रहे हैं? ये लॉजिक है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ये चीज़ अच्छे समझ में आपको वहाँ पे आएगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो प्रेशर था जैपनीज मार्केट में देखने को मिला है, लेकिन इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट उसका आया नहीं है। अब यहाँ पे सपोर्ट पे है, वापस से ज़रूर कमबैक करेगा मार्केट। चलिए स्टॉक्स भी अब देख लेते हैं। एक भाई कह रहे थे स्टॉक्स हम एनालिसिस नहीं करते, तो चलिए स्टॉक्स भी देख लेते हैं। DSSL प्रेशर आ गया। अब ये स्टॉक वापस से अगर यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे, तब इसको ट्रैक करेंगे। अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है मेट्रो ब्रांड। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एंट्री हुई, SL चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिरला केवल टाइम लगाएगा। ये भी, ये स्टॉक मेरे रेडार में था लेकिन अब कैच नहीं कर पाया, आज भाग गया 10%। सनफ्लैग प्रेशर आ गया। पतंजलि प्रेशर देखने को मिला है इसमें थोड़ा सा, ठीक है। गणेश बेंजोप्लास्ट नीचे है, इसके अलावा ईस्टर इंडस्ट्रीज नीचे है। समय लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। बलरामपुर चीनी नीचे आ रहा है थोड़ा सा। SRM देखेंगे तो ट्राई कर रहा है, लेकिन SRM ज़रूर भागेगा, मैं बता रहा हूँ। SRM को ट्रैक बस करते रहना होगा रोज, और ये स्टॉक बहुत बड़ा मूव देगा एक टाइम पे। अब जिस तरह से चार्ट अभी है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो पूरा स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ पे क्लियर सिग्नल दिख रहा है अपसाइड जाने का, ठीक है। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, 500 के आसपास इस साल के एंड तक दिखेगा मार्केट, बस गिरे ना। सुप्रिया लाइफ साइंस ये स्टॉक अच्छा है, इसको ट्रैक करते रहेंगे। GR मूवर्स, GRM ओवरसीज़, ठीक है, स्टॉक को इसमें भी ट्रेड मिल सकता है। आइस में ये स्टॉक पोजिशनली अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, ठीक है। और रूम ये देखेंगे, ये भी भागा है, लेकिन इसमें कोई सेटअप अच्छा दिख नहीं रहा था, तो ऐसे रैंडमली बाय नहीं कर सकते। वो करना, ये स्टॉक भी ऐसे भागा है। Phase 3 नीचे आने का वेट करेंगे। 20 माइक्रॉन्स, रूबी मिल्स, GHCL नीचे आने का वेट करेंगे। पॉलिसी बाजार, यही इकलौता एक स्टॉक है जो मुझे अच्छा लग रहा है, और कल शायद इसमें एंट्री भी मिल जाए, ठीक है। एंट्री लेवल रहेगा 1525 रहेगा एंट्री लेवल। मेरे हिसाब से अगर स्टॉक यहाँ पे एंट्री देता है तो एक अच्छा मोमेंटम भी दे सकता है, क्योंकि आज देखिए कितना फॉल आया, लेकिन मार्केट में फॉल आने के बाद भी ये स्टॉक गिरा नहीं है। और ये स्टॉक कहाँ पे है? बिल्कुल वहीं पे जहाँ से मार्केट में इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी, वहीं के आसपास चल रहा है। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है, कंसोलिडेशन भी इसमें अच्छा खासा हो चुका है। बस स्टॉक को ग्रीन सिग्नल मिलने की तैयारी, मतलब एक बार ग्रीन सिग्नल मिल जाए ना, स्टॉक भाग जाएगा। अगला स्टॉक है TVS इलेक्ट्रॉनिक, इसको भी ट्रैक करते रहेंगे। स्टॉक में ट्रेड मिल सकता है, और ये सब कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है, बहुत कुछ खास इसमें है नहीं। जीनस पेपर तैयार होगा भी, तो ये सभी स्टॉक्स हैं जो कि अभी तैयार होंगे, समय लगेगा, क्योंकि मार्केट में फॉल आ गया, इस वजह से बहुत तेज़ी से स्टॉक गिरे हैं। ये स्टॉक का सर्किट फिल्टर 20% है, इसको ज़रूर कैच करेंगे। ये स्टॉक भी 100 रुपये तक जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे रैंडमली नहीं खरीदना है, ये अभी जाएगा, 6 महीने बाद जाएगा, कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम जब खरीदेंगे एग्जैक्टली सही समय पे खरीदने की कोशिश करेंगे। खैतन केमिकल, ठीक है, मतलब बहुत कुछ खास है नहीं, एक ही स्टॉक जो मैंने बताया वो सबसे अच्छा मुझे दिख रहा है, ठीक है। बाकी सब में तो प्रेशर है। DSSL तो एक स्टॉक मैंने बताया, उसी को फोकस में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी हम स्टॉक्स के एनालिसिस साझा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।